हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 3 एंड लेसन नेम इज ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट लेसन 15। ओके, ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट का मतलब है हमेशा याद रखना और भूल जाना। ठीक है, देन आफ्टर लेट्स स्टार्ट द स्टोरी हियर। सो ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट द थिंग्स दैट मेड यू सैड। यानी इसमें कभी कह रहे हैं कि हमेशा हमें जो चीज़ें याद रखना रहती है उसे हमें भूल जाना चाहिए। कौन सी चीज़ें हमें भूल जाना चाहिए? द थिंग्स दैट मेड यू सैड। यानी जो भी चीज़ें आपको क्या करती हैं, दुख पहुंचाती हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। बट नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर, लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए? द थिंग्स दैट मेड यू ग्लैड, जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं या आपको हमेशा प्रसन्न रखती हैं, हमें उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हमें उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए जो भी चीज़ें हमें दुख पहुंचाती है या हमें दुखी करती हैं। ओके, चलिए सेकेंड स्टेंज अब चलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट, यानी हमेशा हमें जो याद रहता है हमें उसको भूल जाना चाहिए। क्या भूल जाना चाहिए? द फ्रेंड दैट प्रूव्ड अनट्रू, यानी जो भी मित्र क्या है वह धोखेबाज निकल जाते हैं या पक्के दोस्त नहीं होते हैं, अनट्रू होते हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए बल्कि उनको भूल जाना चाहिए। बट नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर, लेकिन हमें हमेशा इन लोगों को याद रखना चाहिए जो कि दोस्त दैट हैव स्टक बाय यू। स्टक बाय यू का मतलब है जो भी लोग आपको बुरे समय में काम आते हैं या बुरे समय में आपकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, हमें उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट स्टेंज है ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट, हमेशा हमें याद रखना चाहिए जो चीज़ें, मतलब हमेशा हमें इसे भूल जाना चाहिए जो चीज़ें हमें याद रहती हैं, जैसे कि द ट्रबल दैट पास्ट अवे, यानी जो भी परेशानी हमें पहले हुई है जिससे हमें दुख पहुंचा है, हमें क्या करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। बट नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, द ब्लेसिंग ऑफ दैट कम इच डे, यानी जो भी आशीर्वाद या जो भी चीज़ें हमें या जो भी चीज़ें हमारे आगे आ रही हैं, हमें कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा उसका डट के सामना करना चाहिए और हमेशा हमें उसका याद रखना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट का मतलब है कि हमेशा याद रखना और भूल जाना। ठीक है, इसका शीर्षक है इस पोयम का। तो पहले स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट, यानी हमेशा हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए द थिंग्स दैट मेड यू सैड, जो भी चीज़ें आपको दुखी करती हैं, जो भी चीज़ें आपको क्या करती हैं, परेशान करती हैं, हमें उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। बट नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर, लेकिन हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। द थिंग्स दैट मेड यू ग्लैड, जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छे से रखती हैं या प्रसन्न रखती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके, देन आफ्टर ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट, यानी हमेशा आपको इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। द फ्रेंड्स दैट प्रूव अनट्रू, यानी जो भी मित्र आपको धोखा दे देते हैं, जो भी मित्र आपको मतलब आपसे अनट्रू हो जाते हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। बट नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर, लेकिन हमें ऐसे चीज़ें नहीं भूलना चाहिए दोच यानी जो कि दैट हैव स्टक बाय यू, जो कि आप जो लोग आपकी बुरे समय में साथ देते हैं, उन सारे चीज़ों को हमें नहीं भूलनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉरगेट द ट्रबल दैट पास्ट अवे, यानी हमें हमेशा उन परेशानियों को भूल जाना चाहिए जो भी जो कि आपको पहले परेशानी हुई थी। ठीक है, बट हमें ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जो कि द ब्लेसिंग ऑफ दैट कम ईच डे, जो हमें हमेशा हर एक दिन मिलता है, हमेशा द ब्लेसिंग दैट कम ईच डे, जो आशीर्वाद या जो हमारे सामने हमेशा जो आती है, ठीक है, जो आने वाली समय होती है या जो भी दिन आते हैं, हमें अच्छे से उसको डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर सोल्यूशन है फिल इन द टेबल वन हैज डन फॉर यू। ठीक है, मीन्स आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया है द थिंग्स दैट मेड यू सैड, यानी क्या भूलना चाहिए, जो चीज़ें आपको क्या करती हैं, परेशान करती हैं या आपको दुख पहुंचाती है, आपको भूल जाना चाहिए। या आपके इसमें रिमेंबर में आप क्या भर सकते हैं, आप रिमेंबर में भर सकते हैं कि द थिंग्स दैट मेड यू सैड, यानी बट नेवर फॉरगेट द रिमेंबर द थिंग्स दैट मेड यू हैप्पी या मेड यू ग्लैड। द थिंग्स दैट यानी जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं उसको क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस तरह से आप वहाँ से स्टोरी से ले सकते हैं, उस पोएम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह छोटा सा स्टोरी दिया गया है,
तो इस स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे नीचे दिए गए जो भी चीजें हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस यहाँ से हम लोग करेंगे। तो आइए पहले हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। टू मैन यानी दो लोग थे, ठीक है, जॉन एंड टीम, दो लोग थे जो कि जिसका नाम, एक का नाम जॉन था एक का नाम टीम था। वांटेड टू क्रॉस ए जंगल, दो लोग जो थे जिम और जो टीम, जॉन और टीम, वो एक जंगल को क्रॉस करना चाहते थे। दे प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इच अदर इन द केस ऑफ अ डेंजर, उन्होंने अपने दोनों अपने आपस में यह वादा किया कि हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। सून आफ्टर दे वॉक इन टू जंगल, जल्दी वे जंगल के रास्ते जाते हैं। अ बियर रश टू वार्ड देम, यानी एक भालू जो होता है उनको दौड़ाते हुए पीछे से आता है। जॉन रन टू अ ट्री एंड क्लाइम्ड अप, जो जॉन रहता है वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। बट टीम डिडंट नो हाउ टू क्लाइम टू अ ट्री, लेकिन जो टीम था बेसिकली वो बेचारा नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए। सो ही क्राइड आउट फॉर हेल्प, लेकिन वो हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन जो उसका दोस्त था जो वादा किया था कि हम लोग कभी भी परेशानी में रहेंगे तो हेल्प करेंगे, जो जॉन था वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। और जो उसका टीम जो दोस्त था वो नीचे चिल्लाता रहता है हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन जो जॉन रहता है उसको बचाने नहीं आता है। सो बट ही गॉट नो हेल्प एंड ही ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और उसको कोई भी हेल्प नहीं किया और चुपचाप क्या होता है जमीन पर सो जाता, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ओके, डर का क्या करता है, जमीन पर भालू के डर से सो जाता है। द बियर केम एंड स्निप्ड एट टीम, यानी जो बियर आता है यानी जो भालू आता है इसके पास और इसको सूंघता है और क्या करता है, देन वेंट अवे, और उसके बाद वहां से चला जाता है। आफ्टर द बियर लेफ्ट, यानी भालू के चले जाने के बाद, जॉन क्लाइम डाउन, जो जॉन होता है पेड़ पर चढ़ा होता है, उसका दोस्त, वो नीचे आता है और लाफिंग, और उसके बाद हंसना शुरू करता है। ही सैड, वो कहता है द बियर वॉज सो क्लोज टू यू ईयर इट सीम टू सैड समथिंग टू यू, यानी वो जॉन कहता है, जो पेड़ पर चढ़ा होता है उसका दोस्त कहता है कि ओ जो भालू था वो तुम्हारे काफी करीब था और तुम्हारे शायद वो भालू तुम्हारे कान में कुछ कहने वाला था, ऐसा लग रहा था। टीम गॉट अप, टीम जो होता है जमीन से उठता है ऊपर, ठीक है, एंड इसके बाद ही लुक्ड एंग्री, वो काफी नाराज हो जाता है अपने दोस्त पर। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है अपने दोस्त को, यस बियर डिड से समथिंग, हाँ शायद जो बियर था यानी जो भालू था मुझसे जरूर कुछ कह रहा था। ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, टू बी केयरफुल, यानी सावधान रहो, बिकॉज क्योंकि अ पर्सन हु रन्स अवे व्हेन वन इज इन नीड इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल, ठीक है, यानी वो भालू मुझे बताया, यानी उस तरह से कह रहा है अपने फ्रेंड को, जवाब दे रहा है कि भालू ने हाँ मुझे बताया कि हमें उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए जो पर्सन हमें हमारी जो परेशानियों में छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो टीम रहता है और जॉन रहते हैं तो जॉन को टीम क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जो जॉन रहता है वो क्या कर रहा था, अनट्रू फ्रेंड रहता है, यानी धोखेबाज फ्रेंड रहता है। जब इसको परेशानी थी, जब भालू इसके पास आ रहा था, तो जॉन था वो पेड़ पर चढ़ गया था दौड़ के। तो इस तरह से वहां पे इन्होंने इसके इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी उन्होंने पहचान लिया कि जो ये मेरा क्लोज फ्रेंड यानी ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें से कौन सही हो सकता है कौन गलत हो सकता है। ये पहला है, विच इज द ट्रबल दैट पास्ड अवे, यानी कौन सी परेशानी आई थी और दूर चली गई। पहला दिया गया द बियर अटैक द अनहेल्पफुल फ्रेंड, यानी तो हम लोग क्या सही है, द बियर अटैक, ठीक है, यानी विच द ट्रबल दैट पास्ड अवे, यानी बियर अटैक, यानी बियर भालू जो था वह अटैक करने आया था फिर से चला गया। दूसरी है, व्हाट इज द ब्लेसिंग, यानी ब्लेसिंग क्या है, द बियर डिड नॉट हर्ट हिट हिम और जॉन क्लाइम्ब ट्री, द क्या ब्लेसिंग था, क्या अच्छा था, द बियर डिड नॉट हर्ट टीम, जो टीम नीचे सोया हुआ था इसको हर्ट नहीं किया, ये काफी बड़ा ब्लेसिंग था टीम के लिए। तीसरा है, हु इज द फ्रेंड दैट प्रूव अनट्रू, यानी कौन फ्रेंड था कि वो क्या हो गया, धोखेबाज हो गया या अनट्रू प्रूव हो गया, जॉन था या टीम था, तो यहाँ पर जॉन क्या है, जॉन क्या है उसमें धोखेबाज हो गया वो, ठीक है, क्योंकि जो उसकी जब उसको परेशानी में था टीम तो वो सहायता मांगता रह गया, लेकिन जॉन जो था पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसको हेल्प करने बिल्कुल भी नहीं आया। लास्ट देखते हैं, व्हाट मेड टीम एंग्री, यानी क्या चीजें जो टीम होता है उसको क्या चीजें नाराज कर देती है। जॉन डिड नॉट हेल्प हिम या ही डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, तो इसका सही आंसर है जॉन डिड नॉट हेल्प हिम, यानी जब जॉन ने टीम का हेल्प नहीं किया तो जो टीम था वो काफी नाराज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये लेसन होती है, आई थिंक जो ये लेसन है समाप्त हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।